स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है, और ये टॉपिक जो बहुत ही डिमांडिंग है और ज़्यादातर बच्चे जानना चाहते हैं कि क्लास ट्वेल्थ के बाद हम कौन सा कोर्स चूज़ करें ताकि जो हमारे करियर के लिए अच्छा हो या हमारा करियर अच्छा हो पाए। तो आज का ये टॉपिक है कि जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से क्लास ट्वेल्थ पास आउट किया है, ट्वेल्थ बोर्ड पास किया है, वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो चूज़ कर सकते हैं, जो ऑप्शंस हैं उनके पास। तो इनको मैंने कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सीरियल नंबर से जो बड़े कोर्सेज हैं या जिसमें ज़्यादा टाइमिंग ड्यूरेशन लगती है, जिसमें फीस ज़्यादा होती है और आगे चलकर जो है कैरियर में सक्सेस भी ज़्यादा होती है, सक्सेस इन द सेंस इनकम ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि हम ऐसा करियर चूज़ करें कि लाइफ सेटल हो जाए, इनकम अच्छी हो, और इनकम के अलावा अगर हम गवर्नमेंट जॉब भी कर सकें या फिर प्राइवेट भी काम अगर कुछ करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा सक्सेस हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडिकल कोर्सेज, तो जो बायोलॉजी स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। मेडिकल कोर्सेज मतलब डॉक्टर की डिग्री, जो डॉक्टर की डिग्री है तो इसमें कितनी डिग्रियाँ होती हैं, किस किस तरह की डिग्रियाँ होती हैं। इसमें होता है MBBS, BDS, BAMS, BHMS एंड BUMS। तो ये सारी जो डिग्रियाँ हैं इसके इन डिग्री को, इन कोर्सेज को करने के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। और इसके लिए हमें नीट का एग्ज़ाम देना होता है, नीट को क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं तो उसके लिए भी हमें नीट का एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन गवर्नमेंट में सिलेक्शन के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एग्ज़ाम में अपेयर होने के बाद कुछ मार्क्स का परसेंटेज कम होता है। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 50% मार्क्स हमें ट्वेल्थ बोर्ड में चाहिए और उसके बाद ही इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज का मैं ड्यूरेशन बताने वाली हूँ। इसमें जो कोर्स है MBBS, तो MBBS लगभग 5.5 साल का है, इसमें 5.5 साल का है, और BDS जो है वो 5 साल का है। और ये सारे कोर्सेज इसमें जो 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, मतलब पढ़ाई के साथ जो 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, वो इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद हम देखेंगे BMS, ये भी 5.5 साल का होता है, BHMS 5.5 का, BUMS जो है 5.5 का। तो ये क्या है, MBBS डिग्री जो है ये जो है नॉर्मल जो जनरल फिजिशियन होते हैं, MBBS करने के बाद जनरल फिजिशियन की उपाधि मिलती है। उसके बाद जो BDS होते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं, जबकि BMS जो होते हैं आयुर्वेदाचार्य होते हैं या वैद्य होते हैं, जबकि BHMS जो है होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, और BUMS होते हैं यूनानी डॉक्टर होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मेडिकल कोर्सेज के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है, ये भी मेडिकल से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ छोटी डिग्रियाँ हैं, लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और डिमांड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे BSc इन नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग बहुत कॉमन हो गया है, खासतौर से लड़कियां जो हैं इस कोर्सेज को करती हैं, BSc नर्सिंग, और ये 4 साल का होता है। और इसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग कोर्सेज, आप सभी जानते हैं लगभग कि नर्स का एक क्या काम होता है, नर्स है, कंपाउंडर है, और अदर स्टाफ होते हैं, तो हॉस्पिटल में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है डॉक्टर के साथ। इसके बाद हम देखते हैं BPT। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नर्सिंग के जो कोर्सेज है उसमें भी गवर्नमेंट जॉब में पे स्केल अच्छा होता है या फिर सैलरी अच्छी होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं कोई चूज़ करता है, नहीं उसमें सेलेक्ट हो पाता है, तो प्राइवेट भी किसी हॉस्पिटल में जॉब मिलती है और उसमें भी अच्छा काम होता है। इसके बाद हम देखेंगे BPT। BPT होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि फिजियोथेरेपी करानी है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, फिजियोथेरेपी के सेंटर पर जाए, तो वही जो डिग्री होती है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, तो ये जो है 3 साल की डिग्री होती है, लगभग 3 साल लगते हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं BSc इन OT टेक्नीशियन, OT टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर के पास जो सर्जरीज होती हैं OT में, उसमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें BSc है या फिर डिप्लोमा के, बैचलर के अलावा हम आगे भी देखेंगे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं इसमें। इसके बाद देखेंगे BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी जो आपके जो ब्लड टेस्ट वाले जो होते हैं सेंटर्स होते हैं, तो उसमें हमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम देखेंगे BSc इन एनेस्थीसिया, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc रेडियोलॉजी। तो ये सभी जो डिग्रियां हैं ये डॉक्टर के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे डिप्लोमा कोर्सेज। तो डिप्लोमा कोर्सेज में जो मोस्ट कॉमन कोर्सेज हैं ANM एंड GNM जो लड़कियां करती हैं, तो ANM क्या है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, एंड जनरल GNM है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसके बाद हम देखते हैं जो कॉमन, जो आपने नर्सेज देखी होंगी, नर्सेज की हमारे पास तीन डिग्रियाँ हैं, तीन तरह की डिग्रियाँ हैं, ANM GNM एंड BSc नर्सिंग। तो ANM फिर GNM फिर उसके बाद BSc नर्सिंग सबसे सुपीरियर है, तो इस तरह इसका कैटेगरी है। और इसमें पे स्केल और सैलरी इसी हिसाब से कम और ज़्यादा होती है, मिनिमम ANM फिर उसके बाद GNM फिर उससे बेटर सैलरी जो होती है BSc नर्सिंग के लिए BSc नर्सिंग की होती है। और कोर्स भी थोड़ा सा टफ होता है ANM और GNM के कंपैरिजन में। इसके बाद हम देखेंगे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजिस्ट का जो डिप्लोमा होता है वो ये भी किसी डॉक्टर के साथ असिस्टेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर्स के लिए अलग से पोस्टिंग आती है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की जो जॉब होती है, तो डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ केयर एक डिग्री डिप्लोमा है, कोर्स है। इसके बाद देखेंगे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ये आई से रिलेटेड है। और इसके बाद देखेंगे डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो लैब टेक्नोलॉजी जो है इसमें BSc भी बैचलर कोर्स भी था और डिप्लोमा भी है। और जैसा कि सभी को पता है कि बैचलर कोर्स सुपीरियर होता है डिप्लोमा कोर्स से, तो इसलिए उसका पे स्केल भी गवर्नमेंट पोस्टिंग में ज़्यादा होगी और उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। इसके बाद देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो जो डिप्लोमा कोर्सेज थे अपने, तो लगभग सभी डिप्लोमा कोर्सेज 2 साल के होते हैं और BSc के कोर्सेज 3 साल के होते हैं, कभी कभार 4 साल के भी होते हैं, जैसे BSc नर्सिंग है। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो ज़्यादातर 1 ईयर के होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो 6 मंथ के भी होते हैं, जो कि एडिशनल सर्टिफिकेट के तौर पे ज़्यादातर लोग करते हैं किसी ग्रेजुएशन के साथ। और इसके बाद हम देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज में कौन कौन से, सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन ECG एंड CT स्कैन टेक्नीशियन। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं ये भी असिस्टेंट की ही तरह वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अदर कोर्सेज। तो अदर कोर्सेज में जो कॉमन कोर्सेज हैं, BSc है, BA है। तो BA यहाँ बायो स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको चूज़ करने का एक ऑप्शन होता है कि वो BA भी कर सकते हैं, हालांकि BA आर्ट्स की डिग्री है लेकिन फिर भी एक बायोलॉजी स्ट्रीम का स्टूडेंट BA भी कर सकता है। तो BSc BA, BSc एग्रीकल्चर, माइक्रो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है बी फार्मा। बी फार्मा का मतलब है बैचलर इन फार्मेसी, और डी फार्मा का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो ये बी फार्मा का कोर्स है ये 4 साल का होता है, और जबकि डी फार्मा का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है। और इस एग्ज़ाम के लिए भी, इसमें एडमिशन के लिए भी, इस कोर्स के एडमिशन के लिए हमें सेपरेट एग्ज़ाम देना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर एडमिशन्स होते हैं। और इस कोर्स की खास बात ये है कि बायो स्ट्रीम और मैथ स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम के बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इस कोर्स के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है फार्मासिस्ट को अपने क्लिनिक्स खोलने के लिए छोटे जगहों पे या गांव में फार्मा क्लिनिक के नाम से, और वो उनको एलिजिबिलिटी है और उनको अथॉरिटी दे दी है कि पेशेंट देख सकते हैं, छोटे मोटे केसेस देख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं गाँव में। इसके अलावा एक और जो है बड़ा नाम जो है इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पैशन है कि हम वो चीज़ करें, सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो किसी भी तरह का ग्रेजुएशन है करके आप नॉर्मली कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट, आप या बायो से हैं या मैथ स्ट्रीम से हैं या आर्ट्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए। तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा सारा जो है जितने भी कोर्सेज होते हैं ट्वेल्थ के बाद जो है, कुछ बड़े कोर्सेज, कुछ छोटे कोर्सेज, और उनका ड्यूरेशन जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है मुझे कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि अब इससे आपको आसानी होगी आपको आगे चूज़ करने के लिए कि हम किस तरह का कोर्स कर सकते हैं, अपने मार्क्स के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, और आपको कितना ड्यूरेशन लगेगा इसको पढ़ने के लिए। तो अगर आपको वीडियो
पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे मैं ऐसे ही वीडियोस और बताने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और डिटेल्स जानना है किसी कोर्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।